हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि रणबीर कपूर की मूवी एनिमल रिलीज हुई और इस मूवी ने क्या धमाके करे हैं यार। ये तो किसी से छुपा नहीं यार, इस मूवी का 14th डे है और इस मूवी का आज भी एक अलग लेवल का क्रेज चल रहा है। मतलब सच में यार, आजकल वो टाइम है जब 14 दिन मूवीज चलती है, लेकिन ये मूवी लंबी रेस का घोड़ा है यार। ये मूवी चलती रहेगी, ये मूवी न्यू ईयर तक चलने वाली है। डंकी और सलार के बाद भी ये कुछ ना कुछ शोज लेके जाएगी। डेफिनेटली कलेक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ, शोज डेफिनेटली इस मूवी के पास रहेंगे। अगर मैं बात करूँ कल के कलेक्शन की, तो कल मैंने जितना प्रेडिक्ट करा था लगभग उतना ही कलेक्शन आने वाला है। मैंने 10.5 से 11.5 करोड़ के बीच का प्रेडिक्शन दिया था, लगभग उसके आसपास ही कलेक्शन आने वाला है। हो सकता है थोड़ा ऊपर, 10.5 करोड़ से थोड़ा सा नीचे कलेक्शन आ सकता है, लेकिन हाँ, ये जो कलेक्शन है वो इसके आसपास ही रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ आज के कलेक्शन की, आज के क्या कुछ कलेक्शन आ सकते हैं यार, क्रेज तो काफी है। एडवांस बुकिंग भी ठीक ठाक हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, यानी 14th डे पर जितनी होनी चाहिए थी ना, उससे काफी बेटर हो रही है। तो एडवांस बुकिंग भी ठीक ठाक हो रही है। जो माहौल है इस मूवी का, उसको देखते हुए अगर मैं समझूँ तो आज इस मूवी में डेफिनेटली ड्रॉप आने वाला है। आज ये मूवी कहीं ना कहीं 8.5 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। पहली बार हो गई ये मूवी सिंगल डिजिट में आ रही है, लेकिन ठीक है, कभी ना कभी तो आना ही था। 8.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी आज ये मूवी, ऐसा मुझे लगता है। 8.5 से 9 करोड़ के बीच का बिजनेस, सॉरी, 8 से 9 करोड़ के बीच का बिजनेस करेगी, ये रेंज में दे रहा हूँ। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि 8.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन रेंज मेरी जो रहेगी उस 8 से 9 करोड़ के बीच की रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं थोड़ा गलत हूँ, इसी कारण से ये रेंज दे रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है इस मूवी के आज के कलेक्शन क्या कुछ आने वाले हैं, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।